चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ जो कि भोपाल से आ रही है। मिशन एमपी पर शाह, कमलनाथ के गढ़ में अमित शाह भरेंगे हुंकार। तो कमलनाथ के गढ़ में अमित शाह भरेंगे हुंकार। छिंदवाड़ा में अमित शाह का होगा मेगा रोड शो। आज शाम 6:30 पर शाह करेंगे नाथ के गढ़ में रोड शो। छिंदवाड़ा में हो सकता है शाह का नाइट हॉल्ट। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर दौरा हो रहा है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का। और आज अमित शाह कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में हुंकार भरने आ रहे हैं। कुछ ही दिन बचे हैं छिंदवाड़ा में अंतिम चरण के चुनाव के जो प्रचार है वो चल रहे हैं, और ऐसे में अमित शाह मास्टर स्ट्रोक के रूप में छिंदवाड़ा आ रहे हैं। बीजेपी की ओर से बताया जनता के बीच आने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सनी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में फोकस कर रहा है, लगातार यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व के बड़े बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं, और आज कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में अमित शाह पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ रणनीति खास होगी उन्हें, क्योंकि प्रचार के अंतिम समय में उतारा जा रहा है मैदान पे? जी निश्चित तौर पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एमपी दौरे पर आज रहेंगे। कमलनाथ के गढ़ में एमपी अमित शाह जो है हुंकार भरेंगे। छिंदवाड़ा में अमित शाह का जो है शाम 6:30 रोड शो होगा और भव्य रोड शो होगा, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीडी शर्मा, तमाम जो दिग्गज नेता है बीजेपी के वो शामिल होंगे। और छिंदवाड़ा में शाह का जो नाइट स्टे भी हो सकता है, जिस तरह से बड़ी रणनीति जो है बीजेपी बना रही है, क्योंकि बीजेपी का 29 लोकसभा में अहम फोकस जो है छिंदवाड़ा सीट पर है, क्योंकि छिंदवाड़ा सीट जो है बीजेपी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, कमलनाथ का गढ़ जाता है। ऐसे में अमित शाह का आना कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, क्योंकि बात की जाए 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक ही सीट जो है छिंदवाड़ा जीती थी, 28 सीट बीजेपी ने जीती थी। अब जो है बीजेपी का जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है अहम फोकस जो है छिंदवाड़ा सीट पर है। कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति जो है अमित शाह जो है छिंदवाड़ा में बनाएंगे, कहीं ना कहीं जीत का मंच जो है छिंदवाड़ा के कार्यकर्ताओं को देंगे। जी बिल्कुल सनी, इस तमाम जानकारी के आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए।